मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को महिलाओं से मिलकर रो पड़े। इस दौरान बहनों की आंखें भी छलक गईं। उन्होंने कहा कि बहुमत से सरकार बनाने का संतोष है। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत में लाडली बहना योजना का योगदान है। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक बात मैं विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से पहले मैं मरना बेहतर समझूंगा, इसलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। शिवराज ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार जो तेजी से काम चल रहा है उन्हें पूरा करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी और प्रगति और विकास के दृश्य से मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा विधायक दल की बैठक में लगातार को उज्जैन से विधायक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। वे दो उप मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को 11:30 बजे शपथ लेंगे। उल्लेखनीय है कि शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मिलकर सोमवार को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था।